আজ লেখে গেল কাল লেখে আমাকে কাগজপত্র করে ভেজ দিলেন কাম কামে ভেজ দিলেন মানে কোনো নয়া নয়া কোঠি মে ভি মন নি লাগে মন নে নি লাগে আমাকে ঘর কা ধ্যান রে ম্যাডাম মে ঘর যাবো সে মোকে যাই দেওয়া ম্যাডাম মন কাহত রেন কি তোর বিরলা মন তো ইতনা লে হেন পয়সা 30,000 তোকে কে সঞ্চয় नगमा अपने घर से 2008 से ही लापता हो गई थी। दिल्ली पहुंचने के दूसरे दिन ही काम पर वही लगा दिए थे उन्हें। हर साल उसे एक नए कोठियों में लगाया जाता था काम पर। नगमा को वहां पर 8 साल तक अमानवीय हालत में रखा गया। शारीरिक और मानसिक शोषण भी होता रहा। पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार ब्लॉक कालचीनी में मानव तस्कर का जाल बहुत ही भयावह रूप ले चुका है। हर साल इस क्षेत्र से तकरीबन 30 से 40 और पूरे बंगाल में 3,559 नाबालिग लड़कियां गुमशुदा होती है। इसी तरह आठियाबाड़ी चा बागान की एक गरीब घर में रहने वाली नगमा जो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी, मुँह बोली मौसी उसे न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा कर घुमाने के बहाने उसे दिल्ली ले जाकर केटी इंटरप्राइज शुक्रपुर बस्ती दिल्ली में बेच दिया। ऑफिस में कैसा रहा थी, कैसा व्यवहार होते तौर से? पूरा मारो थे पेटिए पेटी ले गोटे दिन मार रहे, गोटे का तर ले मार रहे। एक हफ्ता लगातार मैं बुखार से सुई और मैं तो घरे भी एक थप्पड़ भी मुँह नहीं खा, मेरे बाबा भी नहीं मारे। नगमा को झूठी शादी का झांसा देकर उसके साथ प्लेसमेंट एजेंसी में शारीरिक शोषण होता रहा। 2-3 दिन तो हमें को बंद ही कर दिया। कितना दिन रहे थोड़ा तोर संग? 1 महीना रहे लगातार। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर जो अत्याचार शुरू हुई, 3-4 लड़का ने मिलकर उसके ऊपर अत्याचार किया, उसके बाद उन्होंने प्रेग्नेंट हो गया। नगमा 8 महीने की गर्भवती है और वह इसी हालत में किसी तरह ऑटो रिक्शा चालक की मदद से दिल्ली से भागकर अपने घर पहुंची। वो अभी फिलहाल कालचीनी ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक नन्ही बच्ची को जन्म दी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम लोग भी उसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं और अभी लड़की को हमको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। हम डेली उसका खोज खबर ले रहे हैं कि उसका ठीक ठाक से मेडिकल ट्रीटमेंट हो। ठीक है।